सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एचई क्लासेस के प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुमट के पेड़ से प्राप्त फल को क्या कहा जाता है? चापटिया, काचरिया, केर या सांगरी? सही आंसर है चापटिया। क्वेश्चन नंबर टू, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, एक देसी खेल या राजस्थानी लोकगीत? सही आंसर है नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, छोटे छोटे अग्निकणों के समूह के लिए एक शब्द है भूभर, पावस, वडुलो या बुगचो? सही आंसर है भूभर। क्वेश्चन नंबर फोर, जकड़ी है दूध दुहने का एक बर्तन, पशुओं के गले का आभूषण, एक प्रकार का शस्त्र या एक प्रकार का कृषि यंत्र? सही आंसर है दूध दुहने का एक बर्तन। क्वेश्चन नंबर फाइव, लिहाज से तात्पर्य है मरा हुआ पक्षी, फसल कटाई का कार्य, एक प्रकार का चाकू या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है फसल कटाई का कार्य। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऊंटनियों के झुंड में रहने वाला नर ऊंट क्या कहलाता है? भिंडो, भक्कल, माइयो या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है माइयो। मिंडो, पक्कर, माइयो या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है माइयो। क्वेश्चन नंबर सेवन, तंग, मूर्खा, गुरबंद व पिलाण है ऊंट की सजावट की वस्तुएं, छकड़ी से संबंधित साजो सामान, तांगे में लगाए जाने वाला सामान या खेजड़ी पे दशहरा पूजन का सामान? सही आंसर है ऊंट की सजावट की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर एट, दुल्हे या दुल्हन द्वारा धारण किया गया पुष्पों का सहरा क्या कहलाता है? दसीम, खुपू, जुबाछवि या मोकल? सही आंसर है खुपू। क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन जोलिया है बारातियों का विश्राम करने का स्थल, विवाह के समय दूल्हे के पहने जाने वाले वस्त्र, वर की आंखों में काजल डालने की रस्म या इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर है विवाह के समय दूल्हे के पहने जाने वाले वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन है कोहनी पर पहने जाने वाली चूड़ी उत्तरण कहलाती है, तराजू के पलड़ों को चेला कहा जाता है, बड़े तराजू को ताकड़ी और छोटे तराजू को नरज्जा कहते हैं, पुरानी जूतियों को अडराणी कहते हैं। उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, पेशूरी है शहरी क्षेत्र में पहनी जाने वाली एक प्रकार की जूती, ग्रामीण क्षेत्र में पहनी जाने वाली एक प्रकार की कमीज, शहरी क्षेत्रों में प्रचलित एक नृत्य कला या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित लोकगीत। सही आंसर है शहरी क्षेत्रों में पहने जाने वाली एक प्रकार की जूती। क्वेश्चन नंबर 12, जनजीवन शब्दावली से संबंधित सही युग्म है हाक हली, डावरे पर चढ़कर पशुओं को डराने के लिए जोर जोर से आवाज देना, पणों तालाब में पानी एवं दलदल सुखाने पर जमी उपजाऊ मिट्टी की परत, बडूली वर वधु की ओर से वधु को भेजे जाने वाली चूनड़ या उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, अचरियो बचरियो क्या है, सूर्य पूजा के दिन प्रसूता हेतु बनाए गए विभिन्न सब्जियों का मिश्रण, पशुओं को चारा खिलाने का स्थान विशेष, पुत्र के विवाह में की जाने वाली एक रस्म या गरासिया जनजातियों की स्त्रियों का एक आभूषण। सही आंसर है सूर्य पूजा के दिन प्रसूता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य कथन है कंघे को कांक्षा कहा जाता है, बालक के जन्मोत्सव पर जच्चा या होलर गाए जाते हैं, वधू के घर की स्त्रियां बारात का डेरा देखने जाते समय झलो और झलाल गाती है या उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए गए परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं, टापरा, किराड़िया, कु या बुकचो। सही आंसर है किराड़िया। क्वेश्चन नंबर 16, विवाह उत्सव पर वर वधु के लिए बनाए जाने वाली जूतियां क्या कहलाती है, बडूली, चोबवली, सलूका या उकरडी। सही आंसर है सलूका। क्वेश्चन नंबर 17, विचो क्या है, भजन, लोकगीत, बाहरवे का मृत्यु भोज या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बाहरवे का मृत्यु भोज। क्वेश्चन नंबर 18, कटार रखने की चमड़े की पेटी किस नाम से जानी जाती है, मियान, मिक्की, टिक्की या इक्की।
राइट आंसर है 21। क्वेश्चन नंबर 19, भड़बोलिया है गेहूं चनों को भाड़ में भुनने वाला व्यक्ति, बहुरूपिया दुल्हन की बहन जो उसके साथ गोने के अवसर पर ससुराल जाती है, या गोबर की गोल टिक्कियां जिन्हें होली के साथ जलाया जाता है। सही आंसर है गोबर की गोल टिक्कियां जिन्हें होली के साथ जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आरोट से क्या तात्पर्य है? दूल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी, स्त्रियों के पांव का आभूषण सुनहरी जरी की साड़ी, या लगान? सही आंसर है दूल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।